क्या महाभारत होने के पीछे अंधे राजा धृतराष्ट्र का हाथ था? आखिर महाभारत खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र कहाँ चले गए और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? धृतराष्ट्र एक अंधे राजा थे जिन्हें कुछ लोग महाभारत युद्ध के सबसे बड़े खलनायक के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि वो चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपने पुत्र मोह में इस वंश का नाश करवा दिया। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई सारे पाप किए होंगे, परंतु आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे विशेष पापों की जो सर्वोपरि थे और जो धृतराष्ट्र की मृत्यु का कारण बने। ये कहना गलत नहीं होगा कि धृतराष्ट्र आँखों से ही नहीं बल्कि मन और बुद्धि से भी अंधे हो चुके थे। उन्होंने पुत्र के मोह में युद्ध करवाया। पुत्र मोह में अंधे हो चुके धृतराष्ट्र नीति को जानते हुए भी पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वे अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए घोर अन्याय के चलते ही महाभारत का युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन धृतराष्ट्र ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी विदुर की बातों को नजरअंदाज कर दिया करते थे। चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना उनका सबसे बड़ा पाप था। द्रौपदी की भरी सभा में चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और तमाशा देखते रहे। इसी के चलते भगवान कृष्ण को भी महाभारत युद्ध में कौरवों के विरुद्ध खड़े होने का निर्णय लेना पड़ा। चीरहरण महाभारत की एक ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति घृणा का भाव स्थायी हो गया था। ये एक ऐसी दुर्लभ घटना थी जिसने प्रतिशोध की एक ऐसी अग्नि को जन्म दिया था जिसमें सभी जल रहे थे, और इस प्रतिशोध का परिणाम इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हुआ। इसे धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी भूल या सबसे बड़ा पाप कहा जा सकता था। उन्होंने अधर्म का साथ दिया। वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुँह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बातों पर भी ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बातों से अवगत कराकर राज्य और धर्म के हितों की बात बताते रहते थे, लेकिन वे संजय की बातों को भी नहीं मानते थे। वे हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे। वे जानते थे कि ये अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वे पुत्र का ही साथ देते रहे। अधर्म का साथ देने वाला एक अधर्मी और खलनायक ही हो सकता है। भीम को मारने की इच्छा उनका दूसरा पाप था। जब उस काल के सबसे बड़े युद्ध महाभारत का अंत हो चुका था और पांडु पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था, तो इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी। अतः मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे, तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया तथा उनसे गले मिले। बाद में जब भीम की बारी आई तो धृतराष्ट्र के व्यवहार को भांप कर भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा जान चुके थे। अतः जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनसे गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारों से रोक दिया और उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति को आगे बढ़ा दिया। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। अपने बाहुबल से वो पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानों को चकनाचूर कर सकते थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और उस मूर्ति को छिन्न भिन्न कर डाला। उनके अंदर इतना क्रोध भरा हुआ था कि वे समझ ही नहीं पाए कि ये भीम नहीं बल्कि लोहे की एक मूर्ति है। भीम की मूर्ति तोड़ने में अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करने के कारण उनके मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो वे भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो जीवित है, आपने भीम समझकर भीम की मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से भीम को बचाने में सफल रहे। आइए जानते हैं धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म के पाप के बारे में। कहते हैं कि एक बार महाभारत युद्ध के पहले धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जो इस बार में जन्म से ही अंधा हुआ? आप तो सर्वज्ञानी हैं, कृपया मेरी इस दुर्दशा का कारण बताएं। धृतराष्ट्र की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ पिछले 100 जन्मों तक तो तुमने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी वजह से तुम जन्मांध पैदा हुए हो, किंतु इससे पहले के एक जन्म में तुमने एक ऐसा पाप किया जिसकी वजह से तुम इस बार जन्मांध पैदा हुए। कृष्ण ने आगे कहा, वास्तव में तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण तुम्हारे इस प्रारब्ध का उदय ही नहीं हो पा रहा था, तो इस बार तुम्हारे जन्म लेने के पूर्व ही इसका उदय हो गया और तुम जन्म से ही अंधे पैदा हुए।
अब तक धृतराष्ट्र की उत्सुकता अत्यधिक बढ़ चुकी थी। उन्होंने कृष्ण से अनुरोध किया, मुझे शीघ्रता से मेरे उस पाप कर्म के बारे में बताइए केशव, जिसके कारणवश में जन्मांत पैदा हुआ। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और बताना प्रारंभ किया, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम उस जन्म में एक 16 वर्ष के किशोर हो और एक पेड़ पर चढ़े हुए हो। उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला है जिसमें उसके 8 छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम पेड़ पर चढ़ने के बाद केवल अपने आनंद के लिए उस चिड़िया के बच्चों को एक एक करके अपनी हथेली पर लेते हो और उनकी आंखें फोड़ देते हो, जिससे कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो जाती है। कृष्ण के मुख से इस प्रकार सुनकर धृतराष्ट्र अपना माथा पकड़कर बैठ गए। उन्हें अपने पूर्व जन्म की निर्दयता और क्रूरता पर अत्यधिक दुख और पछतावा हो रहा था। अब बात करते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। महाभारत युद्ध की समाप्ति के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती अपना संपूर्ण राजपाट त्याग कर वन में चले गए। समय बीतता गया और इसी तरह 3 साल बीत गए। लेकिन एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए गए और उसी समय जंगल में आग लग जाती है। ये देखकर कुंती, गांधारी और संजय तीनों धृतराष्ट्र के पास भागते हुए आते हैं और धृतराष्ट्र से उनके सही होने का हाल पूछते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते और वहीं रुकने का निर्णय लेते हैं, जिस कारण गांधारी भी अपने पति को अकेला छोड़कर नहीं जाने का निर्णय लेती और धृतराष्ट्र के साथ गांधारी और कुंती भी वहीं रुक जाती हैं। तब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर हिमालय पर्वत की ओर चले जाते हैं। उसके पश्चात तीनों वन की अग्नि में झुलस कर मारे जाते हैं। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर संजय एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। उसके पश्चात नारद मुनि युधिष्ठिर तक इस दुखद समाचार को पहुंचाते हैं। सूचना पाते ही युधिष्ठिर वहां जाकर सभी की आत्मा की शांति के लिए नीति अनुसार धार्मिक कार्य करते हैं। इस प्रकार महाभारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र के जीवन का अंत होता है। मित्रों, धृतराष्ट्र की मृत्यु के पीछे छिपे इन पापों पर आधारित ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।